All right, दोस्तों, Realme 10 Pro Plus is in the house. जी हाँ, finally number series launch हो गई है. And Realme के ज़्यादा phones हमने नहीं देखे हैं 2022 में. But this is their most popular series, उनकी जो number series होती है, and fight देती है Redmi Note series के साथ में. So both of them are going to launch in December. बहुत interesting fight होने वाली है over the years. देखते हैं दोस्तों, ये Pro Plus कितना plus है और कितना minus है, कितना upgrade है 9 Pro Plus के comparison में. सब कुछ बताने वाला हूँ आज. Unboxing, first impressions करेंगे. ये video अच्छा लगता है दोस्तों, लाइक करना मत भूलिए. वैसे बहुत सारे अनबॉक्सिंग जा रहे हैं, तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा. लेट्स ओपन येलो एंड ब्लैक बॉक्स. ऑलराइट, ग्रेट स्टोरी सिंस द लीप. क्या है? सिंस फर्स्ट लीप. ओके, डॉक्यूमेंटेशन, सिम कार्ड टूल, ग्रे केस, जिसकी क्वालिटी मैं कहूंगा, आई मीन साइड्स इतने छोटे क्यों हैं? ओके, वेरी नॉट ऑल दैट ग्रेट क्वालिटी. ओ माय गॉड, लाइट, इट इज एब्सोल्युटली लाइट. 80 वॉट का चार्जर आता है दोस्तों, एंड USB टाइप सी टू टाइप ए के. ऑलराइट, रखते हैं सब कुछ साइड में, फोन के पास देखते हैं. दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट. लेकिन एक बात अच्छी है, बड़े बॉक्स अच्छे लगते हैं. आजकल बहुत छोटे बॉक्सेस आने लग गए हैं. ओह माय गॉड, ऐसे लग रहा है कि मैं एक फ्लैगशिप फोन अनरैप कर रहा हूं दोस्तों. बिकॉज कर्व्ड स्क्रीन तो है ही. जी हाँ, हर एडवर्टाइजिंग कैंपेन में उन्होंने कहा है कि ये कर्व्ड डिस्प्ले. ओह माय गुडनेस, शाइनी शाइनी शाइनी. अगर मैं 9 प्रो प्लस के बारे में बात करूं, वो भी शाइनी था, लेकिन डिजाइन उसका थोड़ा अलग था, कर्व्ड वगैरह था. ये जो है, आई डोंट नो व्हाट दिस डिजाइन इज ऑल अबाउट, बट जस्ट लुक एट दिस. से रेज आ रहे हैं, वो जो दो कैमरा मॉड्यूल्स है उधर से. मेरे हिसाब से ये पोलराइजिंग डिजाइन है, किसी किसी को बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा. देयर आर लॉट ऑफ कलर्स. नीचे ग्रे है, ऊपर की तरफ ब्लूइश दिख रहा है. अलग कलर्स गिरेंगे तो सनलाइट गिरेगा तो अलग दिखेगा. सो दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू स्टैंड आउट, इतना मैं कहूंगा. एंड दैट कर्व डिस्प्ले ऑल्सो लुक्स गुड. फोन इज वेरी थिन एंड सरप्राइजिंगली लाइट. लाइट बहुत है. मेरे हिसाब से इट शुड बी अबाउट 175 grams. या I don't know, 175 grams कैसे हो सकता है, क्योंकि 5000 mAh की बैटरी है, बट बहुत लाइट लग रहा है. 176.9, wow. I mean seriously, with 5000 mAh battery. याद रखिए, 9 Pro Plus में 4500 mAh की ये थी, and I think it was about 185 grams. This one is 176.9 grams. दोस्तों, एक चीज मुझे missing लग रही है ports and buttons में, और जो मैं खुश नहीं हूँ. 3.5 mm jack जो है नहीं दिख रहा है मुझे. Side mounted भी नहीं है. It is in display fingerprint sensor. Side mounted FPS नहीं है इसमें. So that is good. AMOLED screen आती है obviously. नीचे की तरफ SIM card tray है, जो कि एक hybrid होना चाहिए. तो ये जो है, ये SD कार्ड स्लॉट के साथ नहीं आता है. दिस इज नॉर्मल, दो सिम कार्ड्स आप इस्तेमाल कर पाओगे. दिस इज अ 5G फोन. जी हाँ, उसके बारे में बात करने वाला हूं मैं, दो सिम कार्ड्स के बारे में. इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. ओके, लेट्स स्टार्ट द फोन. बाहर तो वैसे देख लिया. बैक जो है दोस्तों, 9 Pro Plus में ग्लास थी, इसमें दोस्तों आती है प्लास्टिक बैक. बहुत ज्यादा फिंगरप्रिंट्स आने वाले हैं, दैट इज फॉर श्योर. इट इज शाइनी शाइनी. जी हाँ, वो जो लीगेसी है Realme 9 Pro Plus के साथ, वो कैरी ऑन की हुई है. दिस वॉज ऑल्सो वेरी शाइनी एंड फ्लैशी. दिस वन इज द सेम, लेकिन डिजाइन थोड़ा अलग है. ये पतला है, ये एक्चुअली में मोटा फोन था. दिस वन इज क्वाइट थिन. ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट डिस्प्ले दोस्तों. जस्ट लुक एट दिस डिस्प्ले. वाओ, अगेन कर्व्ड डिस्प्ले है. साइड के बेजल्स लिटरली मैं कहूंगा बेजल लेस ही है. ऊपर भी अगर बेजल देखोगे, बहुत ही पतला है. नीचे की चिन इज ऑल्सो वेरी वेरी स्मॉल. सो एक इमर्सिव डिस्प्ले मैं कहूंगा इसे. ये बड़ा डिस्प्ले है, 6.7 इंच का एमोलेड डिस्प्ले आता है. 120Hz है, HDR10 का सपोर्ट है, एंड 360Hz टच सैम्पलिंग रेट आता है. ब्राइटनेस के मामले में 950 nits है, जो थोड़ा कम है. बट आई टेल यू व्हाट, दिस इज नॉट अ सैमसंग ओलेड पैनल, बट जो भी पैनल है, क्वालिटी अच्छी है, कलर्स वगैरह सही में अच्छे है. डेफिनेटली कि आगे से ये बहुत ही मॉडर्न दिखता है. दोस्तों, डिस्प्ले के बारे में और एक बहुत पिक्यूलियर चीज है जो मुझे बहुत अच्छी लगी. दिस इज TUV Rhinelite सर्टिफाइड फ्लिकर फ्री डिस्प्ले. मतलब क्या होता है, जनरली एमोलेड डिस्प्ले के ब्राइटनेस आप कम करोगे तो उसमें फ्लिकर्स आते हैं, जो आई को बहुत परेशान करते हैं, बट नॉट विद दिस वन. अब मैं आपको दिखाता हूं, ये 9 Pro Plus है, इसमें भी एमोलेड डिस्प्ले है. दोनों का ब्राइटनेस हम कम करेंगे, और जब डिस्प्ले का ब्राइटनेस आप कम करते हो तो फ्लिकर्स आने चालू हो जाते हैं. लेफ्ट में आपको फ्लिकर दिखते होंगे, वेयर इज दिस वन डज नॉट हैव एनी फ्लिकर्स. कैन सी दैट?
तो ये जो है ये बहुत बड़ी बात है। नॉर्मली अपने आंखों को दिखते नहीं है वो फ्लिकर्स, लेकिन हमें उसकी वजह से बहुत परेशानी होती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो दिस इज अ गुड डिस्प्ले। ऑलराइट, डिस्प्ले तो अच्छा है दोस्तों, दैट इज अ प्लस डेफिनेटली, लेकिन बात करते हैं स्पेसिफिकेशंस के बारे में। ये आता है डायमेंसिटी 1080 इस प्रोसेसर के ऊपर, विच हमने दो तीन फोन्स में देखा हुआ है दोस्तों। इनफैक्ट रेडमी की नोट सीरीज में भी वही प्रोसेसर आता है। जो अंतुतु स्कोर है इसका, दैट इज अराउंड 5,10,000, 5,20,000 इसके बीच में आता है, विच इज वेरी वेरी गुड। इनफैक्ट इसमें जो बेस वेरिएंट है दैट इज 8128 और दूसरा ऊपर वाला जो वेरिएंट है दैट इज 8256, इसमें 6128 का वेरिएंट नहीं आता है। सो परफॉर्मेंस के मामले में मैं कहूंगा इट इज क्वाइट गुड। इनफैक्ट गेमिंग नॉर्मल परफॉर्मेंस तो आपको एब्सोल्युटली कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, मल्टीटास्किंग वगैरह आराम से आप कर पाओगे। हैवी गेमिंग भी आपको अगर करना है, फॉर एग्जांपल सीओडी मोबाइल वगैरह आप खेल रहे हो, तो मीडियम टू हाई सेटिंग पे आप खेल सकते हो। हमने गेम्स खेल के देखे, 40-60 FPS गेम प्ले हमें मिला, विच आई थिंक वाज क्वाइट गुड, गेमिंग वाज क्वाइट स्मूथ। वैसे अगर मैं बेंचमार्क करूं 920 के ऊपर 1080 को, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इनफैक्ट सिर्फ जो क्लॉक स्पीड है वही सिर्फ थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है। जो 920 था डायमेंसिटी, दैट वाज क्लॉक्ड एट 2.5 GHz, दिस वन इज क्लॉक्ड एट 2.6 GHz। LPDDR4X RAM टाइप आती है एंड UFS 2.2 स्टोरेज टाइप आता है। हां, LPDDR5 होना चाहिए था, बट ठीक है, आई मीन इट्स नॉट बैड। पिछले साल जो था अभी भी वही है। बैटरी के बारे में बात करूं दोस्तों, तो 5000 mAh की बैटरी आती है एंड 67 W फास्ट चार्जिंग है। जी हां, बॉक्स के अंदर 80 W का चार्जर है, बट दिस सपोर्ट 67 W। 9 Pro Plus में 60 W का था, तो 7 W से बढ़ा दिया है, ज्यादा कुछ नहीं, बट बैटरी कैपेसिटी बढ़ गई है, 4.5 से 5,000 हो गई, और 0-100% इन अबाउट 47-48 मिनट्स। एक चीज मुझे सही में बहुत ज्यादा अच्छी लगी और जो मैंने स्टार्ट में बताया था दो सिम के बारे में। जी हाँ, ये 5G तो है ही, 11 बैंड्स को तो सपोर्ट करता है, बट DSDS है इसमें, मतलब दोनों भी सिम कार्ड के ऊपर 5G चलता है। इसका मतलब अगर आपके पास एक एयरटेल का और एक जियो का सिम है, दोनों पे ही आप 5G एंजॉय कर पाओगे। इनफैक्ट ये 5G है एंड 5G आउट ऑफ द बॉक्स चलता है। टेस्ट इट आउट, 5G का सिम कार्ड डालते हैं, चेक करते हैं। जी हाँ, रियलमी ने क्लेम किया है कि आउट ऑफ द बॉक्स 5G सपोर्ट करता है, उन्होंने टेस्टिंग की हुई है टेलकोस के साथ। लेट्स पुट इट टू टेस्ट, देखते हैं 5G आ रहा है। यस, वैसे हमने इधर टेस्ट किया हुआ है, 800-900 MB मिलता है अभी। राइट नाउ वी आर नॉट गेटिंग दैट काइंड ऑफ स्पीड, 130-140 MB मिल रहा है, बट जनरली इधर 800-900 MB मिलता है। बट यस, आउट ऑफ द बॉक्स इट इज 5G रेडी, और बाकी के कनेक्टिविटी मामले में भी अच्छा है, क्योंकि वाईफाई 6 है, ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट है, कैरियर एग्री है, डुअल 4G वोल्टी वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट तो है ही। सो एवरीथिंग इन कनेक्टिविटी इज फ्लैगशिप लेवल, मतलब और क्या चाहिए आपको। जी NFC नहीं है, If you are thinking. Multimedia, बात करते हैं, डिस्प्ले अच्छा है दोस्तों, स्टीरियो स्पीकर्स आते हैं ऊपर और नीचे, स्पीकर ग्रिल्स है एंड क्वालिटी ऑफ ऑडियो इज ऑल्सो वेरी गुड। तो मल्टीमीडिया के लिए भी इतना अच्छा डिस्प्ले और इतना अच्छा साउंड, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू एंजॉय मल्टीमीडिया। वैसे मल्टीमीडिया के बारे में बात कर रहा हूं तो बता दूं आपको कि वाइडवाइन L1 का सपोर्ट है। ये जो डिस्प्ले है ये HDR को सपोर्ट करता है, बट नेटफ्लिक्स में हमने देखा HDR नहीं दिख रहा था, तो व्हाइट लिस्टिंग का शायद कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। YouTube भी हमने चला के देखा, HDR दिखता है कभी कभी, बट इट इज चॉपी, मतलब कभी चलता है कभी नहीं, ऐसे है। सो सॉफ्टवेयर अपडेट से शायद इंप्रूव हो जाएगा, बट यस HDR इज देयर। सेंसर्स के बारे में बात करूं तो सभी सेंसर्स आते हैं दोस्तों, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, फेस अनलॉक है एंड दे वर्क वेरी वेल। एक चीज जो बहुत अच्छी तरह से काम नहीं करती है, मतलब इट्स अ मिक्स्ड बैग, OS दोस्तों एक बात कहूं, इट इज गॉन फ्रॉम बैड टू वर्स। अच्छी बात यह है कि आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 दे रहा है आपको, उसके ऊपर रियलमी UI 3.0। इनफैक्ट ये शायद पहला ही फोन होगा कि आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 13 दे रहा है। प्रो प्लस एंड प्रो में भी आपको वही मिलता है, बट एक चीज जो इंट्रोड्यूस की है वो मुझे बिल्कुल बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, रिकमेंडेशंस, बेसिकली टाइप ऑफ एड्स। जब से आप फोन सेटअप करते हो ना, ये ऐप इंस्टॉल करो, वो ऐप इंस्टॉल करो, और ये ऐप्स भी इतने यूजलेस ऐप्स है कि जरूरत नहीं है वो इंस्टॉल करने की, लेकिन हमेशा आपको वो अलर्ट देता रहता है कि प्लीज इंस्टॉल दिस, प्लीज इंस्टॉल दिस। उनका जो प्ले स्टोर, उनका जो ऐप स्टोर है उधर से, एंड इट गेट्स वेरी इरिटेटिंग। जो नोवाइस नए यूजर्स होंगे ना, वो कहेंगे अरे चलो यार कर देते हैं एक बार, एंड दे विल फॉल फॉर इट, बट मैं कह रहा हूं वो जो रिकमेंडेशंस है ना, वेरी इरिटेटिंग। वैसे आपको एक चीज दिखाऊं, जस्ट वॉच दिस दोस्तों, मैं ये ऐप इंस्टॉल करने वाला हूं, आप देखिए क्या होता है। ये देखिए दोस्तों, लुक एट दिस। जैसे ही मैं ऐप इंस्टॉल हो गया दोस्तों, ये स्क्रीन आई मुझे, इट इज एक्सट्रीमली इरिटेटिंग, बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, एंड आई डोंट लाइक इट। रियलमी निकाल दीजिए इसे इमीडिएटली, विद इमीडिएट इफेक्ट। आई मीन एंड्रॉइड 13 होने का मजा ही चला गया इसकी वजह से। वैसे बाकी के फीचर्स के बारे में बात करूं फोन के, तो सरप्राइजिंगली गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन के बारे में कुछ बताया नहीं है, तो आई अज्यूम कि इसमें गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन नहीं है। पीछे की तरफ तो नॉर्मल प्लास्टिक ही है, सो वो नहीं है। IP सर्टिफिकेशन नहीं है दोस्तों, नोटिफिकेशन लाइट नहीं है, FM रेडियो नहीं है, एंड सार वैल्यू विद इन लिमिट्स, ऑब्वियसली होना ही चाहिए, वरना लॉन्च ही नहीं कर पाओगे फोन। वैसे OS के बारे में एक चीज बताना भूल गया,
वर्चुअल रैम आती है 8 GB की. सो या दैट इज देयर. ऑलराइट, अब कैमरा के बारे में बात करते हैं. जी हाँ, ये जो है दो मॉड्यूल दिखते हैं लेकिन ट्रिपल कैमरा सेटअप है. 108 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल. जी हाँ, 108 मेगापिक्सल का HM6 सैमसंग का सेंसर है. याद रखिए पिछले साल प्रो प्लस में आपको 50 मेगापिक्सल का IMX766 प्रोसेसर आया था, प्रोसेसर नहीं सेंसर आया हुआ था, एंड दैट वॉज गुड मच्योर्ड. और मैं अभी भी कहूंगा कि वही 50 मेगापिक्सल का होता तो भी अच्छा होता. ऐसे नहीं है कि 108 मेगापिक्सल का अच्छा नहीं है, बट आई थिंक 50 मेगापिक्सल स्टिल विंस ओवर दिस पर्टिकुलर सेंसर. पिक्चर क्वालिटी अच्छी है, इनफैक्ट डायनेमिक रेंज वगैरह जो जनरली रियलमी फोन्स की होती है वैसी ही है. सो ओवरऑल इट इज क्वाइट गुड. 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड भी ठीक ठाक है. आगे सेल्फी में आपको 16 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है. ऑल दोज आर गुड, आई एम नॉट सेइंग इट इज बैड, बट सोनी का सेंसर वुड हैव बीन बेटर. याद रखिए उसमें OIS भी था, इसमें OIS नहीं है. और OIS नहीं होने की वजह से दोस्तों लो लाइट में थोड़ा ये स्ट्रगल करता है डेफिनेटली. वैसे हमने बहुत सारे फोटोज वगैरह निकाले हुए हैं, फोटोज वीडियोज दोस्तों. ओरिजिनल क्वालिटी की लिंक, जी ड्राइव लिंक जो है मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में. इफ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज गो एंड चेक आउट दोस फोटोज एंड वीडियोज, वेरी इंपॉर्टेंट. अगर कैमरा फीचर्स के बारे में बात करूं, 960 FPS स्लो मोशन है, अच्छा है. अच्छा लाइट चाहिए तो बहुत अच्छे स्लो मोशन आप निकाल पाओगे. एंड 1080p एट 60 FPS जो है आप EIS में शूट कर पाओगे. जी हाँ, OIS नहीं है लेकिन EIS अप टू 1080p 60 FPS. एंड अगर वीडियो निकालना है तो 4K 30 FPS तक लिमिट है. वैसे दोस्तों लास्ट 10 मिनट में ये देखिए कितने स्मजेस आ गए हैं फोन में केस के साथ. वैसे ड्रॉप टेस्ट की नहीं थी तो चलो उसी बहाने ड्रॉप टेस्ट भी हो गई. स्मजेस भी हैं, ड्रॉप टेस्ट भी करते हैं, प्रॉपर ड्रॉप टेस्ट करते हैं अब. माय गुडनेस, ओके. नहीं दोस्तों दिस इज कुछ नहीं हुआ है ज्यादा. दिस इज लाइक काइंड ऑफ आपको अच्छा लगता है इसलिए करते हैं, लेकिन अगर पत्थर पे वगैरह गिर गया तो आई एम नॉट श्योर व्हाट इज गोइंग टू हैपन ऑफ दिस फोन, क्योंकि प्रोटेक्शन नहीं. फाइनली प्राइस, आई एम एक्सपेक्टिंग इसकी प्राइस दोस्तों. अब जब मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूं मुझे इसकी प्राइस पता नहीं है, 20 से 25 हजार के बीच में होने वाला है. अगर 25 हजार के पास में होगी प्राइस तो मैं कहूंगा ठीक ठाक फोन है. अगर 20 हजार के करीब होगी तो मैं कहूंगा अच्छा फोन है, क्योंकि 1080p अच्छा है. इसका डिस्प्ले स्टैंड आउट होता है. मल्टीमीडिया के लिए आपको फोन चाहिए इस प्राइस रेंज में, दिस इज प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट. कैमरा भी इसका ठीक ठाक है. सिर्फ इतना ही कि भाई ये प्रोटेक्शन क्यों नहीं दिया, गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन चाहिए था. दैट इज समथिंग दैट इज अ डाउनर. एंड बिगेस्ट थम्स डाउन इज दैट OS एंड्रॉइड 13 होने के बावजूद मैं खुश नहीं हूं बिकॉज ऑफ दोज रिकमेंडेशंस एंड एड्स. एंड ब्लोटवेयर तो है ही. सो देर आर सम प्लसेस, देर आर सम माइनसेस. ओवरऑल जैसे मैंने बताया 20,000 के करीब आता है, इट इज वेरी गुड, अदरवाइज ठीक ठाक. जी हाँ दोस्तों, यही है आपका Realme 2022 का Realme 10 Pro Plus. अगर आपको कोई सवाल है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, कुछ फीडबैक है जरूर बताइए. ये वीडियो अच्छा लगा लाइक करना मत भूलिए. तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ.